हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है लिप स्क्रब। इसके लिए आपको 4 टेबल स्पून शुगर चाहिए, जिसे आप मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लीजिए। और आपको ऑलिव ऑयल चाहिए और आधा नींबू चाहिए। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, यानी जैतून का तेल नहीं है, तो आप इसमें नारियल का तेल या आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 4 टेबल स्पून शुगर लेनी है और उसमें 2 टेबल स्पून आपको जैतून का तेल एंड हाफ लेमन डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, विंटर आ चुकी है और जिस तरह हमें अपने स्किन को स्क्रब करना ज़रूरी होता है विंटर्स में, उतना ही ज़रूरी हमें अपने लिप्स को भी स्क्रब करना ज़रूरी होता है। तो आप इसे एक क्लीन कंटेनर में भर के रख लीजिए। ये पूरा आपके विंटर का बन चुका है और ये पूरा काम आएगा, जिससे आप वीक में अपनी स्किन को स्क्रब करते हैं, वैसे ही वीक में आप अपनी लिप्स को भी अच्छे से स्क्रब करिए। और फ्रेंड्स, लिप्स हमारे स्किन का सबसे ही कोमल पार्ट है, तो इसे भी स्क्रब करने के लिए ये देखिए मेरे लिप्स कितने फट चुके हैं। और मैं इस पे चाहे जितना वैसलीन या फिर कोई भी बाम लगाऊं, वो मुझे हर मिनट ज़रूरत पड़ती है, जैसे लगता है कि होंठ बहुत ही खिंच रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने लिप्स को भी बहुत अच्छे से स्क्रब करने की ज़रूरत है। और ये एक माइल्ड स्क्रब है, तो आप इसे वीक में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लेके आप बहुत ही जेंटल हैंड से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अपने लिप्स को स्क्रब करिए और 2 to 3 मिनट्स में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही जेंटली 1 फिंगर की हेल्प से आप अपने लिप्स को स्क्रब करिए, ऊपर वाला और नीचे वाला लिप्स को जोड़ के बहुत अच्छे से स्क्रब करिए। फ्रेंड्स, शुगर बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को स्क्रब करती है और लेमन मैंने इसलिए डाला है कि वो मेरे लिप्स की जो शाइनिंग है उसे बरकरार रखे। और ऑलिव ऑयल लगाने से जो स्क्रब हम अपने लिप्स पे कर रहे हैं, इससे कुछ भी बैड इफ़ेक्ट हमारे लिप्स पे नहीं आएगा और वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से स्क्रब हो जाएंगे। ये देखिए मेरे स्क्रब लिप्स स्क्रब हो चुके हैं और बस हल्का सा मसाज और करिए और कॉटन की हेल्प से इस ऑयल को निकाल दीजिए। और इसके बाद अगर आपको चीनी की चिपचिपाहट है, तो आप इसे हल्का सा वाटर से साफ़ कर लीजिए कॉटन को भिगो के, और उसके बाद अपनी वैसलीन लगाइए। तब देखिए कि आपकी वैसलीन कितनी देर तक टिकी रह सकती है। और फ्रेंड्स, आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये देखिए मेरे लिप्स पूरी तरह से डेड स्किन निकल गई है, जो पहले डेड स्किन चिपकी चिपकी दिख रही थी, वो देखिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन मेरे लिप्स दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।